हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी इटली में शाम के 5 बजे हैं और कर तो कुछ नहीं रहे, ऐसे ही बाप बेटी बैठे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमें पार्क में छोड़ के आ जाओ, क्योंकि ये रोज़ घूमने जाते हैं। तो आज दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि बालकोनी में 3-4 पौधे हैं और वो पौधे ग्रो होकर बड़े बड़े हो गए हैं। तो विंसी की मम्मी ने ऐसे ही विंसी के स्कूल में एक पौधा दिया था, उसमें थोड़े से टमाटर के बीज डाले तो वो पौधे ग्रो होकर बड़े बड़े हो गए। तो विंसी की ताई जी के घर वो पौधे छोड़ के आ जाएंगे और इनको पार्क में उतार देंगे। तो उनके घर पर ना गंवार और बाजरे की इतनी फसल बड़ी बड़ी हो गई है, अभी आपको दिखाऊंगा तो हैरानी होगी, एकदम राजस्थान की फीलिंग आती है देखते हैं। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने बीज डाले थे और पौधे इतने ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं इटली के अंदर, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और उनके घर पे अंजीर भी लगी है, अंजीर का पेड़ है, पूरा अंजीर का पेड़ मतलब भर गया अंजीर से। तो उनके घर से थोड़े अंजीर भी तोड़ के ले आएंगे और इनको पार्क में छोड़ देंगे। ये क्या है? हाँ, मेरे लंबे बाल। ओ, तेरे लंबे बाल। चलो वो पौधे लेते हैं और आपको पार्क में छोड़ देते हैं। चलो है, और उधर देखो ये नीचे नहीं उतरती है सीढ़ियों से। चाओ एलिशिया, चाओ टाटा करना। बैठी रहती है, बैठी रहती है ना, पूरे दिन सीढ़ियों में बैठी रहती है। गेट नहीं खोला जाता, जितने गेट नहीं खोलूं जितने ऐसे बैठी रहती है पूरे दिन। मतलब इतने बड़े बड़े हो गए देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जगह नहीं है इसको ग्रो होने की। तो इन पौधों को सारों को विंसी के ताई जी के घर रख के आएंगे, है ना। चले चारों टमाटर के हैं, देखो टमाटर के इतने इतने बड़े हो गए। अच्छा पीछे हो रहे, तो ये चनक पड़ गई है इधर कमर में, चनक दबवा के आएंगे। तो इनसे के ताऊ जी चनक दाबते हैं ऐसे। एलेसिया बेबी। तो घोड़ों के लिए क्या है पता नहीं, यहाँ पर घोड़ों के लिए वो घास ज़्यादा उगाते हैं। नीचे जड़ें चलने लगी है देखो, है ना, उसको उसके थी। विंसी रोज तो साइकिल लेके जाती है। तो गाड़ी में बच्चों को बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो इसलिए ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। एक का एक इधर लगा दे ये। विंसी को पार्क में उतार के आ गया और अब चलते हैं हमारे दोस्त के घर। तो ये आ गया इनका घर और इन्होंने पहले से ही आप देख सकते हैं कि कितनी सब्जी उगा के रखी है। तो इन्होंने गांव वाली काफी सब्जी लगाई है, मिर्च का पौधा और ये सारा गुआर। कितना गुआर हो गया भाई, फूल फूल तो शुरू हो गए लगने। ये भी ओ मत्ती रख थोड़े, अरे मत्ती का पौधा लग रही बिना की अदारी। हां अच्छा मत्ती लो, बाजरी है नोम जी, पास पास में बाजरी लगा रखी है। भाई आपने तो पूरी सब्जी लगा रखी है, छोड़ के भी काचरा। ओ हो भाई, इन्होंने तो बहुत सब्जी उगाई है। ये देखो अनार लगा, एक आगे एक आई उगे मिले बाजरी है, तो टेढ़ते हैं बाजरी बाजरी को मिले। बाजरी बहुत ओम जी को बाजरी का बहुत शौक है। ये पुदीनों तो देखो इतना हमेशा इतना ही रहता है, अपने आप वापिस उग जाता है जब काटते हैं, वापिस उग जाता है। और पूरी मूली है टेढ़ते हैं। अंजीर का पेड़ देख के आते हैं, अंजीर लग गया थोड़ा, मुझे अंजीर बहुत पसंद है। अंजीर तो लग गए, ये देखो एकदम तैयार होके मस्त है। अभी एक थैली भर के घर ले जाएंगे, ऐसे रख दिए। पानी रोज ये डालते हैं इनकी, ये देखो मोटर लगी हुई है और ये कुई है। लेके आया हूँ थोड़े अंजीर डाल लेते हैं, कहाँ गए ये देखो कितने अंजीर लगे। ऊपर होते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, कैसे पहुंचा जाए ऊपर तक, इतने बड़े बड़े होते हैं अपने आप फट जाते हैं ना, तो पता चल। चलो फिलहाल थोड़ी थैली में डाल लेते हैं, ऐसे दबा के पता चलता है कि भाई तैयार है या नहीं। वो
और बहुत ज़्यादा मच्छर है इस घर में, इतने मच्छर है ना, क्योंकि पीछे जो एरिया पूरा खेत ही खेत है। नो नो नो, यो नोन बात दो बोल तो लंता जी चर तो आंके 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 कोई लोग कौन ये हमारी नोनो है ऐसे हताई बोलते ना मारवाड़ी में, थोड़ी देर हताई की है नोनो से। वो रही वहाँ पे बैठी है, एक मेरे दोस्त की वाइफ और आई है, वो जो भाभी जी उस दिन लेने के लिए गया था ना, वो सर का डैब। अच्छा तू क्या कर रही है अलेसिया बेबी? एक इधर बेबी है, छोटी बेबी इधर देखो। सो को सो हाथ खागी के वालता ही है ना, हाथ दे और यो सो हाथ खायो। पीती पीती जा रही है अमरस, चलो झूला अंदर डालो। नागी अंजीर फ्रिज में रख दे, पूजा पाठ कर रही है। मंगल भव अचरे बिहारी राम सिया राम, ये घंटी घंटी लेके कहाँ जा रही है? मुंशी मम्मी खाना बना रही है, आलू गोभी और अमरस है ना, आज अमरस बनाया है, स्पेशल डाइट है। गाँव में तो मतलब जब माँ को फोन करते हैं तो हरदम बोलती है अमरस बनाया अमरस बनाया, यहाँ पर आम मिलती है नहीं, संतरे की गोली खाएगा। ये तो चलो ये देखो अमरस तैयार हो गए हैं और उधर चावल है। तो शाम के 5 बज गए हैं और मैं और विंसी आए हैं गिफ्ट लेने के लिए। मेरे दोस्त की बेटी का बर्थडे है तो उन्होंने कल ही हमको बोला था कि कल भाई बर्थडे, हम भूल गए थे पहले कहना, तो कल मैं गिफ्ट लेने के लिए आया नहीं, आ जाया हूँ तो अभी देख रहा हूँ कौन सा गिफ्ट ले। हाँ ऐसे गिफ्ट थोड़ी होती है इसके ऊपर नाम देखो क्या। नहीं नहीं नहीं, कल को बुरा लग ले रही थी एकदम ब्लैक, और वो दोस्त है जो सांतोमिगो का है, अमेरिका के पास से मतलब एक देश है उस देश का है, तो उनका रंग थोड़ा ब्लैक है, उनको ब्लैक ही गिफ्ट ले जाके दे तो कहीं बुरा मान जाए, वैसे भी उसको चिढ़ाता रहता हूँ मैं। तो लगभग आधा घंटा खोजने के बाद हमें ये मिली, पता नहीं वो जो उनकी बच्ची है मेरे दोस्त की तो वो 6-7 साल की है, क्या पता वो इससे क्या खेलेगी, पर गिफ्ट गिफ्ट होता है भाई, ले लिया। तो हम पहुंच गए हैं बर्थडे वाली जगह और एक फ्रॉक लिया है विंसी की जो पहन रखी है ऐसी, और एक गिफ्ट बेबी डॉल लिया। चलो अंदर चलते हैं। अभी बांधो खाएगी तुम, अरे वहाँ पर लगी है स्टॉल खाने के लिए। दो बच्चियों का साथ में बर्थडे है, एक 5 साल का एक 6 साल का। Amici, la cantiamo, siete pronti? Dai! Tanti auguri un applauso. Bravi e bravi e bravi, sei rimasta la candelina? बर्थडे मना के और केक खा के हम दोनों आ गए। एक्चुअली बर्थडे दो का साथ में था तो दोनों ने मिल के मतलब आधा आधा खर्चा हो जाएगा, साथ में मनाया था है ना, दो केक आने। चलो घर चलते हैं। होटल
लॉटरी ले आई है लॉटरी। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करते सब्सक्राइब।